के लिए ये टीम तैयार रहती है, किसी ने 10 बार, किसी ने 20 बार, और सब लोग इसकी वैज्ञानिकता को भी समझ चुके हैं। जैसे प्रमोद जी अभी बता रहे थे, वो वास्तव में व्यवहारिक कठिनाई है कि ऐसी सुनील जी के बेटे को है, लेकिन ये इसका परिणाम क्या होता है। अब देखिए, अपनी माँ के स्मृति में ये कार्यक्रम करना, ये तो एक भाव है, लेकिन उस कार्यक्रम में पूरा परिवार सहभागी हो गया, सबने रक्तदान किया, ये और भी बड़ी बात है। प्रमोद जी को थोड़ी मायूसी हो रही थी तो चार्ली ने पूरी कर दी, तो मैं आप सबको बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और आप लोगों को देखकर समाज में बहुत व्यापक जन जागृति रहेगी, ये बात बिल्कुल सत्य है कि रक्तदान डॉक्टर की एडवाइस पर है, आपकी हीमोग्लोबिन देखकर और आपके उसके बारंबारता को जो अंतराल है उसको देखकर, इसमें कोई नुकसान नहीं है, कभी भी कोई नुकसान नहीं है। हाँ, सामने वाले को इतना फायदा है कि शायद 1000 करोड़ रुपया नहीं काम आएगा, वो आपके रक्त की कुछ बूंदें काम आ जाएंगी। इसलिए मानव के रूप में मानव की सेवा करने का जो आपका एक कार्य है, इसके लिए बारंबार आपको प्रणाम है, आपसे जुड़ी सब संस्थाओं को प्रणाम है, और बंडी को भी बहुत बधाई है, पूरे परिवार को बधाई है, और पूरे आयोजक मंडल को बधाई है, पूरी टीम को बधाई है, जो जो लगे हैं इसमें, कि आप इस प्रकार के सार्थक कार्यक्रम करेंगे। तो वास्तव में इसका बहुत मैसेज जाता है, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। कितने लोगों को बोला? श्रीमती रामवती देवी अग्रवाल की स्मृति में सुरुआत सेवा समिति द्वारा रक्तदान का सम्मान समारोह आयोजित किया, जिसमें जनपद फिरोजाबाद के 200 रक्तदाताओं को सम्मानित किया गया, और हमारे साथी थी फिर भी अग्रवाल हुई, वो भगवान के श्री चरणों में प्यारे हो गए, उन्होंने 70 से ऊपर बार रक्तदान किया था, उनको आज मदद किया गया, और सभी जनपद के रक्तदाताओं को